हेलो नमस्ते सत्सकाल आदाब, मैं हूँ विष्णु महाली और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में, ब्लॉगिंग के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब वाली नहीं, यूट्यूब पे वो मस्त है, लेकिन ब्लॉगिंग के ऊपर बात करते हैं। ब्लॉगिंग से क्या आप ब्लॉगिंग पे यानी ब्लॉग्स पे क्या आप एडसेंस यूज़ करके उतना ही अर्निंग कर सकते हैं जितना कि लोग हमेशा दिखाते रहते हैं अपने इनकम रिपोर्ट्स पे या स्क्रीनशॉट्स पे वगैरह वगैरह, तो क्या ये मुमकिन है? तो अगर सीधे सीधे जवाब कहूँ दूँ तो हाँ है, लेकिन उन स्क्रीनशॉट्स को देखकर या दूसरों के अर्निंग्स को देखकर लोग मैनिपुलेट बहुत हो रहे हैं। जो नए नए ब्लॉगर्स वगैरह हैं, जो नए नए आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उन लोग बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं वेबसाइट्स जो क्रिएट कर रहे हैं नए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। अगर आप रियल में जिन लोगों को जानते हैं, जिन ब्लॉगर्स से जानते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तभी आपको मतलब रियलिटी देखने को मिलेगी। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स या पीछे के मतलब अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह देखकर गेस नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी अर्निंग इतनी हो जाएगी, और वही लोग करते हैं। तो ये गलती हो रही है और यहाँ पे कई कुछ हद तक, एक्चुअली बहुत हद तक उन लोगों की गलती है जो इस तरह से अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते रहते हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पीछे क्या हो रहा है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज़्यादातर ब्लॉगर्स को यही लगता है कि आज आऊँगा, ब्लॉग क्रिएट करूँगा और कुछ महीने ब्लॉग पोस्ट करके उसके बाद 2-3 महीने में मेरी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होगी और वो भी रेगुलर इनकम। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लोगों में, और इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। रियलिटी, चलो बात करते हैं रियलिटी की और जो बैकग्राउंड में चलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ये पॉसिबल है, लेकिन कब ये जान लो। जब आपका निश जो है वो एक तो हायर CPC में बेस्ड होता है या हायर CPM रेट्स पे बेस्ड होता है, मतलब कीवर्ड्स पे ऊपर, कीवर्ड्स और आपके ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अगर ये आपका नहीं होता है तो CPC, मतलब अगर आपके एड्स पे क्लिक भी होंगे ना तो भी बहुत कम पैसे मिलेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि आपका ऑडियंस क्या है, मतलब आपके ऑडियंस कौन है और आपकी निच या कीवर्ड्स क्या हैं वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके वजह से हर किसी की अर्निंग अलग अलग हो सकती है। तो इस वजह से आप किसी का रिपोर्ट देखकर ये नहीं सोच सकते कि मेरी भी उतनी ही अर्निंग हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि लोग आपको अर्निंग्स तो दिखा देते हैं, पर उन लोग ये नहीं दिखाते कि उनके बैकग्राउंड में उनकी कितनी ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पर, या वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें कितना टाइम लगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें। अब वो कहते हैं कि मैंने वेबसाइट बनाई, 3 महीने में मेरी इतनी अर्निंग हो गई, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो 3 महीने की वेबसाइट बनाने में उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सब कोई भी नहीं बताता, इस वजह से लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं जो नए नए आते हैं उन लोग, तो उन्हें लगता है कि बस 3 महीने में ही तो कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। और इसमें भी और फिर से मतलब और भी डिटेल में मैं जाऊँगा, और पहले यही बात जान लो। तो ऐसा नहीं होता कि बस बनाया और अर्निंग शुरू हो गए। और रही बात कितने अर्निंग होगी, तो ज़्यादा नहीं, रियलिटी यही है कि ज़्यादा नहीं। मैंने जैसे कि मैंने कहा, आप जिन्हें जानते हो, जो आपसे सच बोलेंगे, उनसे बात करो, तब आपको पता चलेगा कि एडसेंस मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो इतना अर्निंग देता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। फालतू के निच पे ज़रूर आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ चीज़ें जो वायरल हो जाती है तो वो बहुत व्यूज़ लाकर देती है, और इस तरह से उसका CPC CPM ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अर्निंग्स जो है हाई हो जाएंगी। लेकिन इस तरह के निच पे हमेशा कोई काम नहीं करता, जाहिर सी बात है। जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स पे काफ़ी अर्निंग के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही, आपको पता है, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं न्यूज़ में, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई अलग से न्यूज़ साइट क्रिएट करके उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो ये सिंपल सी बात है, जब उतने सारे व्यूज़ आते हैं तो होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ फिर से कि किस तरह से उतनी अर्निंग्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स जो आप लोगों को दिखाते हैं, तो एक तो आपको ऑडियंस और कीवर्ड्स वगैरह जो है वह हाई CPC और CPM वाले होने चाहिए, ये पहला फैक्टर है। और दूसरा, आपको मिलियंस एंड मिलियंस ट्रैफिक चाहिए होगी आपके वेबसाइट पे। आप 10,000-12,000 ट्रैफिक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी मंथली इनकम होगी एडसेंस के साथ। तो एडसेंस में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप यूज़ करते हैं तो $100 पे आउट होती है, तो आपको $100 पहुंचने में ही मतलब 4-5 महीने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम टाइप हो जाता है लोगों के लिए, और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि बस फटाफट हो जाएगा दूसरों का अर्निंग रिपोर्ट वगैरह देख के,
और फिर जब वो खुद ट्राई करते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि कुछ लोगों को तो मतलब एक साल से ज़्यादा लग जाते हैं सिर्फ $100 कमाने में, तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है और इसे क्लियर करना मेरा काम था। मैं यही करता हूँ, मैं रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये बताना भी ज़रूरी था। मैं सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए मतलब झूठ नहीं बोलता, मार्केटिंग करता हूँ मैं, पर मेरी स्ट्रैटेजी ही यही है कि सच बोलो, और मतलब अलग टाइप की मार्केटिंग करता हूँ मैं। आप मुझे फॉलो करते होगे तो आप समझ जाओगे इंस्टाग्राम वगैरह पे कि मैं किस तरह से मार्केटिंग करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। तो ये भी एक सच है जो लोग छुपाते हैं। बहुत मेहनत लगती है मतलब एडसेंस से अर्निंग करने में, और अभी भी बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो मतलब 200-300 ब्लॉग्स लिख चुके हैं अपने ब्लॉग पे, और वो भी मैं बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, प्रो लेवल वाले जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आप उनसे भी अगर पूछोगे ना, तो उनकी भी एडसेंस अर्निंग मतलब मंथली $100 के करीब नहीं जाती है। तो ये आपको अजीब लगेगा पर यही सच है। अब मैं क्योंकि मुझे मेरी कनेक्शन बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह से है तो मुझे ये सब पता है, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता क्योंकि आपका ऐसा कनेक्शन शायद ना हो। और इंक्लूडिंग मी, अगर मैं सिर्फ मेरी बात भी करूं तो भी मुझे ब्लॉग्स से $100 अगर मैं करना चाहूं ना हर महीने, तो नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सी फैक्ट है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो लगभग, अगर मैं एक वेबसाइट की बात करूँ तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही वेबसाइट बनाएंगे, मेरे तो मल्टीपल वेबसाइट्स है तो हो जाते हैं, पर अगर एक ही वेबसाइट की बात करूँ तो एक ही वेबसाइट से मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, मान लो ब्लॉगर सेल्फ का एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस केस में मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है अबाउट 300-500 पर डे, तो वो उसमें से 5% के आसपास कन्वर्जन रेट आएगी, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात है मार्केटिंग की, तो मैं मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत करता हूँ, आप लोगों को पता होगा, तो मार्केटिंग से ट्रैफिक मुझे आ जाते हैं 3,000-4,000 व्यूज़ पर डे के करीब, तो उससे भी काफ़ी अर्निंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होगी कि मैं हर महीने मतलब $100 का जो थ्रेशोल्ड होता है वो क्रॉस करूं और मुझे हर महीने पेमेंट मिले। तो यही सच्चाई है एडसेंस के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा लोग दिखाते हैं वैसा नहीं है। आपको या तो मिलियंस एंड मिलियंस में ट्रैफिक चाहिए, या फिर आपकी निश या जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई सीपीसी वाली होनी चाहिए, और वो भी क्लिक थ्रू रेट के साथ, यानी कि आपको सिर्फ ऐसा हाई सीपीसी वाला कीवर्ड्स है और ऑडियंस वैसी है तो भी नहीं होगा, क्लिक्स भी होने चाहिए। और रीजन पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सीपीसी वगैरह, सीपीएम वगैरह। तो अगर आपका वेबसाइट पे ज़्यादातर विजिटर्स इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग बहुत लो होगी। और वहीं आपके विजिटर्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA से आती है, तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग हाई होगी। तो ये सब फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप किसी और के अर्निंग्स को देखकर खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी भी अर्निंग्स इतनी होगी। और सच्चाई तो यही है कि एडसेंस से उतनी अर्निंग नहीं होती, ज़्यादातर लोग जो अर्न कर रहे, जैसे मैं खुद भी कर रहा हूँ लेकिन एडसेंस से नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है। मेरी नंबर वन जो इनकम सोर्स है वो अफिलिएट मार्केटिंग है, और यही bloggersup.com पे भी जो नंबर वन इनकम सोर्स जो आती है मुझे वो है अफिलिएट मार्केटिंग। तो एड्स पे देखो, और एक चीज़ मैटर करती है, क्लिक्स, है ना, जैसे कि मैंने बताया क्लिक्स पे मैटर करती है। अगर किसी ने क्लिक्स किया तभी आपको पैसा मिलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपने ऐड पे लास्ट एडसेंस को ऐड गूगल ऐड पे कब क्लिक किया था? मुझे तो याद नहीं, मुझे मतलब पिछले एक साल में भी मैंने शायद एक भी ऐड को क्लिक नहीं किया है, या 2-3 साल में भी एक भी ऐड को क्लिक नहीं किया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके विजिटर्स क्लिक करेंगे? तो एडसेंस पे मतलब ऐड वगैरह पे ज़्यादा क्लिक्स नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में क्लिक होते हैं, और कुछ नीचे इसमें होते हैं, जैसे कि एजुकेशन नीच पे बहुत क्लिक्स होते हैं, क्योंकि मेरी एक एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट भी है तो मुझे पता है, तो एजुकेशन रिलेटेड नीच में बहुत क्लिक्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ नीच भी होते हैं जहाँ पे क्लिक्स होंगे, तो उस तरह के नीच भी अगर आपको मिल जाता है तो अर्निंग्स थोड़ी हाई होगी। तो जाहिर सी बात है एड्स पे ज़्यादा क्लिक्स नहीं होते हैं, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। आप खुद सोचो कि आपने कब लास्ट ऐड पे क्लिक किया था कोई ऐड पे, और आपको पता चल जाएगा कि कितने चांसेस है ऐड पे क्लिक होने के, और उसी के बेस पे तो अर्निंग होती है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी अर्निंग हो सकती है। तो ऐड पे ज़्यादा क्लिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मैं अफिलिएट लिंक यूज़ करता हूँ, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे करता हूँ, bloggersup.com पे जाओगे तो वहाँ पे अफिलिएट लिंक यूज़ करता हूँ मैं जगह जगह, तो उन अफिलिएट लिंक्स में ना हर दिन 100-150 क्लिक्स हो जाते हैं, 100-150, और मैं एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा,
मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं मेरे वेबसाइट पे या ब्लॉग पोस्ट पे, सब में कहीं ना कहीं क्लिक होते हैं। और मतलब एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे सेरासेल, वो मैं यूज़ करता हूँ, मेरी टॉप अफिलिएट मार्केट प्लेस है मेरे लिए वो। तो वहाँ से वहाँ पे मुझे मतलब 150-300 क्लिक्स पर डे मिल जाते हैं, और उसमें से परचेज होने पे अर्निंग हो जाती है। और कुकी, आपको पता होगा अफिलिएट मार्केटिंग करते होंगे तो कुकी ड्यूरेशन की वजह से मुझे कभी ना कभी मतलब उनसे कमीशन मिल ही जाता है। तो ये आप खुद ही कंपेयर करो, ऐड पे कितने क्लिक्स हो सकते हैं और एक अफिलिएट मार्केटिंग वाले लिंक पे कितने क्लिक्स हो सकते हैं, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। जहाँ पे ऐड पे मतलब एक भी क्लिक नहीं होते हैं मेरे, मैं खुद की स्टेट्स बता रहा हूँ और रियल स्टेट्स बता रहा हूँ bloggersel.com की, तो ऐड जो वहाँ पे रन हो रहा है उसमें एक भी क्लिक नहीं होता है, पूरे महीने भर में भी एक भी नहीं। और वहीं पे अफिलिएट लिंक्स जो हैं वहाँ पर हर दिन मतलब 300-400-100 एटलीस्ट, अगर लोएस्ट बात करूँ तो, क्लिक्स होते रहते हैं पर डे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है और ज़्यादा अर्निंग्स ला कर देती है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही जो वो क्लिक करके चेक कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। जैसे WP फॉर्म्स की बात करूँ तो WP फॉर्म्स मुझे कल ही सेल हुई पहली, इससे पहले एक भी सेल नहीं हुई थी WP फॉर्म्स। आज पहली बार, एक्चुअली कल पहली बार एक WP फॉर्म्स जो है वो सेल हुई है, तो वो भी इसी वजह से हुई, पहले से सेल नहीं हुई थी, मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ था, कहने का मतलब लिंक लगा हुआ था, तो किसी ने विज़िट करी होगी पिछले सप्ते या उससे पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से वो जो कल को किसी ने डिसाइड किया कि ख़रीद लूँ, लेकिन कुकी ड्यूरेशन जो होता है उसकी वजह से परचेज मेरे लिस्ट पे आ गई। आई थिंक 60 डेज की कुकी ड्यूरेशन होती है WP फॉर्म्स में, तो वो ड्यूरेशन की वजह से मुझे मिल गई ये सेल, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑफर या अफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्म करता है। और यही मेरी सजेशन रहेगी, एडसेंस के बजाय आप अफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस करें, वो बेटर रहती है, बेटर ऑप्शन है, जाहिर सी बात है एडसेंस पे उतनी अर्निंग नहीं होती है, और यही रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इस तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे कि मान लो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या सच में इतनी अर्निंग्स होती है, तो इस तरह के कुछ भी टॉपिक्स पे अगर आपको जानना है मतलब रियलिटी, तो जस्ट कमेंट करो या पूछो मुझसे कहीं पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी जाकर पूछो, और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रियलिटी बेस्ड वीडियो बना दूंगा, रियल बातें करूंगा, फालतू की बातें नहीं। जैसे मैं भी ब्रैग कर सकता था, इतने अर्न करो एडसेंस से, ब्लॉग क्रिएट करो, हैंड देन उसके बाद लिंक दे देता कि नीचे जाओ होस्टिंग परचेस करो और अगले महीने से ही इतने डॉलर्स कमाओ, तो ऑब्वियसली मेरी बहुत सारी अर्निंग होती, ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं जाल में, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है, मैं रियलिटी बेस्ड बात करना चाहता हूँ। और रियलिटी यही है कि इसमें भी हार्डवर्क लगता है, जैसे लोग कहते हैं वैसा नहीं होता, इसमें भी हार्डवर्क लगता है और कमाई भी उसी हिसाब से होती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यही सच्चाई है, और मैं हमेशा सच्चाई ही आपके सामने लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।